नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ लगी है कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है, तो पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में एक फार्म पर 100 मुर्गी मरने पर मरी हुई मुर्गियों को लैब में डीएम द्वारा भेजा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया, और लैब में पता किया गया कि एक साथ 100 मुर्गी क्यों मरी। तो पता यह चला कि उस लैब से H5N1 वायरस पाया गया। मुर्गी मरने का कारण क्या है? H5N1, और H5N1 वायरस है वो बर्ड फ्लू की बीमारी में पाया जाता है। तो जिस फार्म की 100 मुर्गी मरी हैं, उस फार्म से 1 किलोमीटर का गोल सर्कल, 1 किलोमीटर के घेरे में जितने भी फार्म आ रहे हैं उसमें लगभग 25,000 मुर्गियां मारी जाएंगी। तो सरकार 25,000 मुर्गियां पुणे ज़िले के फार्म में, जिस फार्म पर यह वायरस पाया गया है, उस फार्म से 1 किलोमीटर के घेरे में जितने फार्म पड़ते हैं वहाँ पर की सारी मुर्गियों को प्रशासन द्वारा मारा जाएगा, जेसीबी में गड्ढा करके ज़मीन में दफनाया जाएगा, और उसका मुआवजा भी गवर्नमेंट उनको देगी, जिससे बीमारी और ना फैले। तो बर्ड फ्लू आने पर मुर्गियों को क्यों मार देते हैं, यह समझ लीजिएगा। H5N1 वायरस आदमी को, इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मुर्गियों को मार देते हैं और इंसानियत और आदमियों को बचाने की कोशिश प्रशासन और राज्य सरकार करती हैं। तो सभी फार्मर भाइयों को मेरा मशवरा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुणे ज़िले के एक फार्म में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया, उसके दायरे में 1 किलोमीटर में जितने फार्म आते हैं उन मुर्गियों को मारा जाएगा, उसका मुआवजा राज्य सरकार देगी, मगर बीमारी फैले ना इसलिए उनको मार रहे हैं। घबराकर कोई भी अपने माल को कम रेट में ना बेचे, और एहतियातन आपको यह करना चाहिए कि फ्री रेंज फार्मिंग बंद कर दें, फ्री रेंज में दाना फेंक कर मुर्गियों को ना खिलाएँ। मुर्गियों के साथ कौए और कबूतर भी आके दाना खाते हैं, और यही बाहर से आए हुए पक्षी बर्ड फ्लू की बीमारी लेके आते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया, H5N1 वायरस बर्ड फ्लू में पाया जाता है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में पाया गया है, तो हमें यह ध्यान रखना है। तो यह था छोटा सा वीडियो जो बर्ड फ्लू की जानकारी आप सबको देना था। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।